अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी का तो नंबर दो, उन्हें कांटेक्ट करता हूँ ना मैं। तुम सुन रही हो या नहीं? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। सू बोली, अरे गांडी अपना देश छोड़ के अमेरिका गए उस लुच्चे के लिए, वो डोडिया तुझे कहाँ मिला था? FB पर। क्या मने तो फरीदी बोल। फेसबुक पे दोस्ती हुई, चैटिंग करते करते प्यार हो गया। क्या? फेसबुक पे पाटली उतार दिया। अंकल आया आया। ये फेसबुक की चैटिंग पर सेट हो गई थी उससे। चीटिंग मैं जानता हूँ, लेकिन चैटिंग कौन सा नया डिश का नाम है? अभी समझाता हूँ। दो अनजान लोग जब इंटरनेट पर बिना मुंह खोले एक दूसरे को पकाते हैं, उसे कहते हैं चैटिंग। इनका बस चले तो फेसबुक पे सगाई, व्हाट्सएप पे शादी और ट्विटर पे हनीमून मना लेंगे। इन्हें आईफोन चाहिए, मुंह पे ब्यूटी पार्लर चाहिए, बॉयफ्रेंड NRI चाहिए, बस संस्कार ही नहीं चाहिए। माँ बाप की बातें इन्हें वो वायरस लगती है जिनसे इनका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। एक दिन के लिए वाईफाई। Shut up, okay. मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, रिसर्च करना चाहती थी, PhD करना चाहती थी, पर घर वाले इसके अगेंस्ट थे, मेरी शादी करवाना चाहते थे। सिर्फ अभी मेरी प्रॉब्लम समझता था और प्रॉमिस किया था कि मेरी हेल्प करेगा। तीन महीने कांटेक्ट में रहने के बाद हम इतने क्लोज हुए थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं अमेरिका याशी करने नहीं, पढ़ने के लिए आई थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी रेस्टोरेंट में खाना ही क्यों ना पकाना पड़े, मैं पढ़ाई पूरी करके रहूंगी। उससे पहले मैं इंडिया वापस नहीं जाने वाली। प्लीज शांत हो जाओ, बिना सच्चाई जाने बोल देता है गधा। तुमने कहा तुम अच्छा खाना पकाती हो, क्या ये सच है या फिर? सच में मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। अरे पहले खुद की नौकरी तो बचा लो। खुद को बचाने के लिए इसे असिस्टेंट रख रहा हूँ। जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसकी जगह 10 विंडोज खोल देता है। आओ हमारे साथ। वेलकम सीता, दिल से स्वागत है। ये है मेरा आशियाना, छोटा सा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे पेट जितना। इसे अपना ही घर समझो, फ्रीली फ्री में रह सकती हो। बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल, दरिया बाकी सब समंदर। लड़ना आगे का हेडू रेंट आप वो पर्स है। हेलो, बेड का $500, सोफे का 400 और फर्श का 300। और हाँ, कंप्यूटर यूज करने का 25, इलेक्ट्रिसिटी पानी और हवा का कोटेशन रह गया, उसका भी चार्ज ले ले। इंटरेस्टिंग हो, सारू आइडिया छे। हेलो, ये अमेरिका है, यहाँ फ्रीडम है पर फ्री में कुछ नहीं मिलता। वाह, कितनी गहरी बात कह दी, ग्रेट नॉलेज। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, जाके अपना डेरा जमा लो। बिंदास, एक बात बताओ, ये तुम्हारी असिस्टेंट है या तुम इसके असिस्टेंट हो? उसका टैलेंट चेक करके डिसाइड करूंगा। बाय द वे, इस लड़के को डस्टबिन में क्यों डाला? अरे वो गाड़ी में चढ़। हाँ, क्या वजह क्या थी? और वो कार वाला सीन क्या था, वो भी तो बताओ। कार सेवा, उसको सामने मत पूछो। अरे कार में हॉट योगा कर रहा था। अरे कार में योगा करने में क्या गलत है? मैं तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू कर देता हूँ। अरे कांडा, लेकिन कार में क्या बुराई है? कार हो या प्लेन हो, कार हो प्लेन हो या बेड हो, लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बस योगा टीचर फीमेल होनी चाहिए। कार में कारनामा कैसे किया होगा? ए भाई, वो नई कुक की बात की थी ना, यही है। नमस्ते, सॉरी मेरी वजह से तकलीफ है। ऐसा मत कहो, इंडियन शेफ पाके हम तो बहुत खुश हैं। सही कहा, इनको ले जाके किचन दिखा दो। आओ ना। हेलो अमेरिका, आज पटेल आपको फेरी टेल नहीं स्कैरी टेल सुनाने वाला है। सोशल साइट्स पर अपनी हाथ की लकीरें घसने वाले यूथ के लिए मेरे पास मैसेज है। ऑनलाइन चैटिंग कर लो पर मीटिंग मत करना, उसमें चीटिंग हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट हो सकता है लेकिन लाइफ वो रिस्टार्ट नहीं होगी। तो फेसबुक पर ऐसे काम मत करो कि फेस दिखाने लायक ही ना रहो। सो गर्ल्स प्लीज बी केयरफुल। अब लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये सुनहरा गाना। मेरी ककड़ी कट जाती तो। आपने NRI राजशेखर के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने ही क्या, अमेरिका में हर एक NRI उनको अच्छी तरह से जानता है। एग्जैक्टली, अगले हफ्ते उनकी शादी की सालगिरह है और वो चाहते हैं कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिले। वाओ, थैंक यू सो मच, वी विल डू आवर बेस्ट। वो इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं और मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट रखा। फैंटास्टिक, ये कॉम्पिटिशन तो देखने लायक होगा। इस कॉन्टेस्ट के बारे में अगर कपल्स को पहले से पता चल गया तो वो अच्छा बनने का नाटक करेंगे और इनाम जीतने की कोशिश करेंगे, और इनाम है $25,000। $25,000? क्या बात है, चलिए जल्दी से मेन्यू फाइनलाइज करते हैं। जरा सोचो,
तुम्हें कहीं से एक ही दिन में 25,000 डॉलर्स मिल जाए तो उसका क्या करोगे? पटेल और क्या करेगा, 25 का 50 बनाएगा। ये हुई ना बात। एनआरआई राजशेखर अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट रखवा रहा है। अगर ये कॉम्पिटिशन तुम जीत लो तो जैकपॉट तुम्हारे हाथ लगेगा, 25,000 डॉलर्स। पत्नी ना झूठ। सीधा अरे मेरी बात तो सुन। अरे 25,000 डॉलर का सवाल ऐसा मत कर, नकली सोने की पायल दिलाऊंगा। अच्छा छोटा रिचार्ज करा देता हूँ, अरे मान जाना मेरी माँ। कितनी प्यारी लग रही है, तैयार करके जल्दी से नीचे आ जाना, लड़के वाले बस आते ही होंगे। हेलो केम जो पापा, मोबाइल कहाँ अच्छा तुम्हारो? सॉरी बेटा वो चार्जिंग पर रखा है। वांदो नहीं, एंगेजमेंट कैसी चल रही है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है बेटा, बस तुम्हें मिस कर रहे हैं। अरे मैं तो शादी से 10 दिन पहले पहुंच जाऊंगा, संध्या को फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ एक मिनट होल्ड करना। आप अभी तक यहीं पे हैं, लड़के वाले बस आते ही होंगे। कितने काम बाकी हैं, अभी चलिए। पट्टू फोन पर है, कम से कम आज उससे बात कर लो। अरे भाई कॉफी तैयार है? सब मुझे करना पड़ता है। दुर्गा आंटी, दुर्गा आंटी। हेलो संध्या। हेलो हेलो पापा, छोटी माँ। अरे सब लोग क्या छो, कब से गला फाड़ रहा हूँ अपना। हेलो कोई है? अरे सुनो, हेलो हेलो। अरे वो अमेरिका से बोलू छो। हेलो कोई बात क्यों नहीं करता, कब से आवाज सुनने को तरस गया हूँ। हेलो कोई बात तो करो। जोर से चिल्ला रहे हो, बाथरूम में भी सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, लाइन तो कब की कट चुकी है। खबर छे, लाइन तो बहुत पहले ही कट गई थी। क्या हुआ, अपने सेव किए डॉलर्स का हिसाब कर रहे हो क्या? काय की सेविंग, मैं तो ये हिसाब लगा रहा हूँ कि और कितने डॉलर्स भेजने होंगे। एक बात बताओ, अगर हम कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो मेरा शेयर कितना होगा? अपने हिस्से के 20,000 निकाल के पूरे 5,000 डॉलर। हेलो सीता नाम है मेरा, मुझे कम मत समझना। 50-50 के लिए तैयार हो तो ठीक है। अमेरिका की हवा बहुत लग गई तेरे को, पूरी पटेल बन गई है। हमें ये ज्ञान आपसे ही मिला है गुरुजी। हां हां ठीक है, मंजूर छे। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा क्या होगा? ये तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर तो मैंने लीक किया था, अगर मैं राज नहीं खोलता तो 25,000 उसी दिन स्वाहा हो जाते। 5, 10, 10, डन डन डन। चलो ठीक है, तो इसके 10 भी मेरे, हम दोनों जोड़ी रचाएंगे, धूम मचाएंगे। यस, हम दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि प्यार में ना उम्र की सीमा होती है ना जन्मों का बंधन। चलो 15 तुम्हारे, 10 मेरे। इस फड़फड़ाते दिए को तुम्हारा पति कौन मानेगा, झोल पकड़ा जाएगा। ठीक है मंजूर है। इंटेलिजेंट तेरे पसीने से हाथ चिपक जाएंगे तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा एक दूसरे के बारे में जान लो, इन्फॉर्मेशन मेमोरी कार्ड एक्सचेंज कर लो। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? सोचोगी तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना, ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? ये छोटे सांड की तरह क्यों घूम रहे हो? तेरे बाप का क्या जाता है, मैं सांड की तरह घूमूं या हिरन की तरह दौड़ूं? ये हाथ का साइज देखा है ना, तेरे मुंह का ठेपला बना दूंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं भी पार्टनर हूँ। इनाम के एक हिस्से पर मेरा भी नाम लिखा है, समझता नहीं है यार। ये अमेरिका छे, हर कोई सूट बूट और यो-यो बन के आएगा, पर हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, नया ट्रेंड शुरू करेंगे। ए रेडी हुई क्या? यहाँ देखो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे साड़ी पहनी जाती है, ओढ़ी नहीं जाती है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, किसी ने सिखाई नहीं। चैटिंग किससे सीखी थी, माँ के पेट से? गांडी। ठीक है मैं सिखाता हूँ कि साड़ी कैसे पहनते हैं। साड़ी पहनना धोती पहनने जैसा ही है, देखो इसको ऐसे मोड़ने का और फिर कैसे बनाऊंगा। उल्टी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, तब मैं तुमसे सीखूंगी। सुबोली? हाँ सुबोली। ओ खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी ना इसलिए। ठीक है ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो, अबे इसको अभी ऐसा घुमाओ, अंदर डाल दिया, क्या लग रहा है? हो गया। सीता मैंने बहुत सारे ब्यूटी स्पॉट देखे हैं, पर तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट सबसे अच्छा लगा मुझे। तुम्हें कैसे पता, तुम तो उस तरफ देख रहे थे। तुम्ही ने मुझे मिरर के सामने खड़ा किया, अब चलो। वेलकम वेलकम, आइए प्लीज प्लीज कम। नमस्ते नमस्ते। आपने तो ट्रेडिशनल कपड़े पहने, इस प्राइस के लिए तो कपड़े उतार भी दो। मतलब आदमी की प्राइस उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कार से पता चलती है, परंपरा से बड़ा कुछ नहीं। वाह सुन के अच्छा लगा। सीधा प्लीज प्लीज
वेलकम। डॉलर फेंको और काम करवाओ। अपने साले से भी मैंने यही कहा पर बेवकूफ मानता ही नहीं। ए जी, जरा बच्चे को संभालो ना। तुम भूल गई ऑड और इवन डेज के हिसाब से हमें बच्चे का ध्यान रखना था। बच्चे को जहाँ मर्जी हो रखो, आज तुम्हारा नंबर है। ये भी ना, ये औरतों से कौन बहस करे, दो घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। इनके मुंह पर भी डॉलर फेंकने चाहिए। ए हमारा डॉक्लो, वो क्या बोलो छू, जब हमारा बच्चा होगा ना तो उसे सारा दिन मैं ही संभालूंगा, बच्चे का बोझ सिर्फ मैं उठाऊंगा। बच्चे का तो पता नहीं, तुम्हारे हाथों का बोझ बहुत है। मेरे कंधों से अपने हाथ हटाओ। मौके का फायदा उठा रहे हो ना। रोमांटिक जोड़ी। तुम जा रही हो, टेक केयर, बाय। कौन थी वो और तुम उसे इतना ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? वो मेरे ऑफिस में काम करती है इसलिए बात कर रहा था। ऑफिस में काम करती है तो तुम उसे चिपकोगे? घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हिताक्षी, सॉरी हिताक्षी, मेरी बात तो सुनो। बाय, टेक केयर, बाय। डिंग डिंग डिंग, रसमलाई। तुमने रसमलाई खाना छोड़ दिया क्या? सॉरी डार्लिंग, मुझे खुद खाने की आदत नहीं ना, तुम्हारे हाथों से खाती हूँ इसीलिए। ऐसी बात है, इसलिए आज अपने हाथों से मुझे खिलाया। दर्द हो रहा है डार्लिंग, तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकते हो। ये लो डार्लिंग, लेट गो, हैं, अच्छे से खाओ। फनी कपल, नोट करो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, बस थोड़ी ही देर में राजशेखर साहब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेट्स गिव देम अ वार्म वेलकम।